तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल के वीडियो के अंदर जो हमने बात करी हुई थी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। लास्ट टाइम पे मैं आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बता रहा था और मैंने कहा था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हम कल पूरा डिटेल में एक साथ में बात करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। मैंने शुरुआत की थी अनअकैडमी के इस लाइव सेशन में और मैंने बोला हुआ था कि सक्सेशन का मतलब होता है कहीं पे भी एक नई चीज का इमर्ज होना। जैसे कहीं पे भी एक नई कम्युनिटी का, एक नए फॉरेस्ट का, एक नए प्लांट का इमर्ज होना। सबसे पहले अगर कोई भी प्लांट किसी भी जगह पे एक इमर्ज होता है, या फिर जहाँ पे पूरी बंजर जमीन होती है और बढ़ते समय के साथ वहाँ पे एक नया प्लांट, एक नया कम्युनिटी इमर्ज होता है, इसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन का नाम देते हैं। जनरली हम लोग केस में जो बात करते हैं, सक्सेशन के केस में जो हम लोग बात करते हैं, वो हम लोग बात करते हैं इश्क की। लड़की है याना, आई थिंक। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत दफ़ा जो होता है वो क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं आपके, वो प्लांट्स ग्रो करते हैं। वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए उनको एक पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए होती है, लेकिन ग्रो करने के लिए जो पर्टिकुलर कंडीशन उनको चाहिए होती है, वो जो है हेलो बेटा, उसको लाने में, उसको होने में बहुत सारा वक्त बीतता है, बहुत सारा टाइम लगता है। मतलब कुल मिलाकर के कल मैंने आपको दो रूट बताए हुए थे कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसा जंगल है जो बहुत ही अच्छी तरह से फ्लरिश है, बहुत ही प्रॉपर तरीके का है, मतलब एक तरीके से अपने क्लाइमैक्स पे है। अब जो बच्चे क्लाइमैक्स नहीं समझते हैं, वो ध्यान दें कि जब कोई जंगल या कोई फॉरेस्ट पूरी तरीके से, जब कोई जंगल कोई या कोई फॉरेस्ट पूरी तरीके से अपने फ्लरिश फॉर्म में होता है, मतलब कि अपने पूरे कंट्रोल में होता है, मतलब कि पूरी तरीके से फला फूला रहता है, तो इस तरीके के प्लांट को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ध्यान सुनते रहिएगा मेरी बात को। अगर कोई प्लांट की अलग अलग पॉपुलेशन, अलग अलग प्लांट की अगर पूरा लोकेशन पूरी तरीके से, जो फॉरेस्ट है अगर वो पूरी तरह से फ्लरिश फॉर्म में है, तब हम उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक, लेकिन डेवलपमेंट की जो अलग अलग स्टेज होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले एक बंजर जमीन होगी, फिर उस पे धीरे धीरे करके एक पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े प्लांट बनते चले जाएंगे, तो ये जो चेंजेस आते हैं हर स्टेज में, इन स्टेज को ही हम जो है सीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीयर बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और इस, हाँ बेटा, हेलो बेटा विशाल, और इस हर एक स्टेज के अंदर आपको जो है, इस स्टेज को हम लोग सीरियल स्टेज के नाम से जानते हैं। मतलब हर एक स्टेज अलग होती है, और जब यही सीयर स्टेज अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाती है, मतलब अपने चरम पे पहुंच जाती है, मतलब कि एकदम फाइनल रूप में पहुंच जाती है, मतलब कि बिल्कुल फ्लरिश फॉर्म में पहुंच जाती है, तब इसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ध्यान सुनिएगा, मैंने दो पॉपुलेशन ली थी। एक पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई मान लीजिए अगर कोई अर्थ है, उस अर्थ पे कुछ भी नहीं था, उस अर्थ पे केवल और केवल रॉक और माउंटेन ही थे। एक अर्थ हमने वो ले लिया और फिर उस रॉक माउंटेन के ऊपर लाइकेन्स आए, लाइकेन्स ने कुछ एंजाइम्स रिलीज किए और फिर उस एंजाइम ने उन रॉक्स को ब्रेक किया, बारिश हुई, सेडिमेंटेशन हुआ, सॉयल बना, सॉयल बनने के बाद फिर वहां पे छोटे छोटे प्लांट्स आए, फिर उन छोटे छोटे प्लांट से डेवलप करके एक बड़े प्लांट्स बने। दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। वहीं पे दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी एक फ्लरिश फॉरेस्ट था, उसमें गलती से आग लग गई, पूरा फॉरेस्ट खत्म हो गया, वहां पे अब कोई फॉरेस्ट नहीं रह गया, और फिर अगर वहां पे उसके बाद प्लांट निकलने शुरू हो और एक दिन फिर से वो फॉरेस्ट में ढल जाए, तो एक ये सक्सेशन होता है। तो सक्सेशन आर बेसिकली टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्राइमरी सक्सेशन, जो मैंने पहला बताया वो प्राइमरी सक्सेशन है, जिसके अंदर इस अर्थ पे पहले कुछ नहीं थी, यहाँ केवल रॉक और माउंटेन ही था, और फिर वही रॉक और माउंटेन में एल्गी आए, फिर उसके बाद में छोटे प्लांट्स, फिर बड़े प्लांट्स, जिनको होने में एक लंबा टाइम लगेगा, लाखों साल लग सकते हैं।
ऐसा होने में लाखों करोड़ों साल का वक्त लग सकता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन। वहीं पे दूसरी तरफ जो हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें ऑलरेडी फॉरेस्ट मौजूद होता है, उसमें ऑलरेडी, ये लड़कियों के पास बड़ा चमत्कारी शक्ति होती है, ये चैट करते करते पढ़ाई कर लेते हैं। तो और दूसरी तरफ आपका होता है कि एक एस्टेब्लिश कम्युनिटी है, एक एस्टेब्लिश क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब समझ में आया तुम लोग? पहले रुको पूछ ले लो, क्यों क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब समझ में आया? तुषार क्या जी? अरे तुम सुन ही रहे, सुनते रहे ध्यान से भैया, नहीं तो सब मिस्टेक, सब मिस हो जाएगा, जितनी मेहनत करो सब बेकार हो जाएगी। चलिए, तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब है जो फ्लरिश फॉरेस्ट है, जो पूरा मतलब एकदम फुली डेवलप हो चुका है। अब मैंने बताया प्राइमरी वाला वो है जो जीरो से शुरू हो रहा है, और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है उसमें ऑलरेडी बना बनाया जंगल है, लेकिन जंगल में किसी कारण नेचुरल कैलामिटीज से जो है जंगल में आग लग जाए, जंगल बेकार हो जाए, खत्म हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस जंगल नष्ट हो जाना चाहिए। अगर ऐसी चीज में जंगल नष्ट हो जाता है, पूरी कम्युनिटी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर इस एरिया का पूरा सन्नाटा छा गया। देखिए इस एरिया में पूरा, अरे बाप रे बाप, स्वर्गिनी जी इतना पुरानी कैंडिडेट आ गई हुई है। इस एरिया में पूरा सन्नाटा छा गया। देखिए अभी इस एरिया में जब पूरा सन्नाटा छा गया है, स्वरागिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। तो जब इस एरिया में पूरा सन्नाटा छा गया तो फिर से अब यहाँ बनेगा। बस अंतर इस चीज का है कि प्राइमरी सक्सेशन में लगता है लंबा टाइम, और सेकेंडरी सक्सेशन में बड़े आराम से धीरे धीरे, सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत तेजी के साथ में सक्सेशन होता है, बहुत तेजी के साथ में सक्सेशन होता है, और यहाँ पे बहुत ही जल्दी ये क्लाइमेक्स सक्सेशन को छू लेते हैं, मतलब क्लाइमेक्स कम्युनिटी को रीएस्टेब्लिश कर लेते हैं। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब जब फॉरेस्ट अपने पूरे फ्लरिश फॉर्म में हो, मतलब पूरा फुली डेवलप फॉर्म में हो, ठीक है। और ये जो अलग अलग स्टेप होती है बेटा, इसी को हम लोग सीयर का नाम देते हैं, और हर एक स्टेज को हम लोग सीरियल कम्युनिटीज या फिर सीरियल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये बात बताइए, इसमें सब कुछ समझ में आया या फिर नहीं, बताइए भाई। कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो हमको साफ साफ बताइए, तो आगे बढ़े। क्लियर? चलिए और लोग बताएं भाई, और लोग बताएं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमरी सक्सेशन जो होता है वहां पे जीरो से शुरुआत होती है, और जीरो से शुरुआत करने वाले को हम लोग पॉइनर स्पीसीज का नाम जो है वो देते हैं। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे तो पॉइनर स्पीसीज इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, प्राइमरी सक्सेशन इन द सेकेंडरी सक्सेशन, तो यू कैन इजीली से दैट इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सक्सेशन, बिकॉज देर आर अ बेयर रॉक्स में लाइकेंस एंड देन लाइकेंस से स्मॉल एनुअल प्लांट्स एंड देन दिस वन। तो इस तरीके से 100 साल से भी ज्यादा टाइम लगा एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी के डेवलपमेंट होने में, ठीक है। और ये सभी स्टेजेस कम्युनिटी या फिर सीरियल स्टेज के नाम से जो है वो जानी जाती है। आइए डेफिनेशन की तरफ नजर डालते हैं। लाइनों को पढ़ना बेहद जरूरी है, यही दिमाग में रह जाती है, मेरी बातें तो भूल जाती है। द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, मतलब ये ऐसी जगह पे होने की, मतलब ऐसा सक्सेशन जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी वहां एग्जिस्ट ना करता हो, इसका मतलब जब अर्थ शुरू में बनी हो या कोई भी वो जगह जहां पे पहले कभी भी कोई भी प्लांट एनिमल कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो, नो वन सिंगल सेल एग्जिस्टेड हियर, ऐसी जगह पे जब कोई सक्सेशन होता है तो हम उसको प्राइमरी सक्सेशन के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल, न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक्स, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स और रिजर्वायर, बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सोइल। और इसमें जो है प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ही होता है कि इससे पहले वहां पे कोई भी बायोटिक कम्युनिटी आकर के एस्टेब्लिश हो,
इट मींस दैट कोई भी लिविंग कम्युनिटी आकर के वहां पे स्टेबलिश हो उसके पहले वहां पे वहां के सॉयल को फर्टाइल बनाना जरूरी होता है, और वहां का सॉयल फर्टाइल तब बनेगा जब वहां लाइकेंस बनेंगे। लाइकेंस जब डिकम्पोज होंगे, बैक्टीरिया आएंगे, जब वो डिकम्पोज होंगे सॉयल के साथ में मिक्स होंगे तो वहां की सॉयल फर्टाइल बनेगी और वहां पे डेवलप होगा डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का। सो द प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और इसको होने में काफी अरसा लग जाता है। वहीं पे सेकेंडरी सक्सेशन की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए अगर जंगल में आग लग भी जाती है तो बहुत सारे छोटे मोटे प्लांट्स वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनके सॉयल में बहुत सारे सीड या फिर स्पोर्स मौजूद होते हैं जो अगेन अपने आप को डेवलप कर लेते हैं और अगेन अपने आप को डेवलप करके वहां पे फिर से क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। एग्जाम्पल एब्डोमेन फॉर्म लैंड बर्न्ड और कट फॉरेस्ट lands that are flooded since some soil or sediment is present. जो लोग अभी भाग रहे हैं वो जिंदगी भर पछताएंगे। Since some soils or sediment is present, succession is faster than primary succession. ये जो succession होता है वो primary succession से थोड़ा सा faster response करता है क्योंकि यहाँ पे already हमें कोई soil वहाँ पे कोई सेलुलर हमको जो है वो बढ़ाना या डेवलप करना नहीं होता है, ऑलरेडी वहां पे वो सारी चीजें होती हैं, ऑलरेडी वहां की जो सॉयल होती हैं वो फर्टाइल होती हैं, वहां पे ऑलरेडी वाटर जो है वो अवेलेबल रहता है, ऐसी जगह जो है बहुत जल्दी फ्लरिश हो जाती है। इन सक्सेशन चेंज इन वेजिटेशन अफेक्ट फूड शेल्टर ऑफ एनिमल दस एज सक्सेशन प्रोसीड द नंबर एंड टाइप ऑफ एनिमल एंड डिकम्पोजर आल्सो चेंज। अगर किसी भी एरिया के अंदर सक्सेशन होता है तो वहां पे कई और चीजों में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे अगर वहां पे एनिमल में हो रहा है तो एनिमल के हिसाब से वहां पे शेल्टर देखने को मिलते हैं, फूड जो होंगे जो वहां पे होते हैं वो अफेक्ट होंगे। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एनिमल की डाइवर्सिटी बढ़ेगी, जब फॉरेस्ट बढ़ेगा जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप करेगी तो वहां पे बहुत सारे एनिमल्स भी आएंगे, तो एनिमल्स की संख्या बढ़ेगी। डीकम्पोजर्स जितना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म उतना ज्यादा डेड ऑर्गेनिज्म उतने ज्यादा डीकम्पोजर्स भी वहां पे परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे सक्सेशन में चेंज आता है तो नंबर ऑफ डीकम्पोजर्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, टाइप ऑफ एनिमल्स में भी चेंज देखने को मिलता है। मेरी बात सभी को समझ में आ गई? बोलिए भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई, आगे बढ़ा जाए। सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद दूसरी तरफ है नेचुरल और ह्यूमन। अगर मैं बात करता हूं तो नेचुरल और ह्यूमन जो है, जैसे नेचुरल तरीका है जैसे मान लो जंगल में आग लगना, वॉल्केनो आना, इस तरह की जो चीजें हैं चाहे वो नेचुरल तरीका हो या फिर चाहे ह्यूमन डिस्टर्बेंस हो, जैसा कि मैंने बताया कि इकोसिस्टम में, गुड इवनिंग बेटा, इकोसिस्टम में ह्यूमन कभी भी खुद को कैलकुलेट नहीं करता। इतना मतलब हम लोग दगा देते हैं प्लांट्स को कि कभी भी खुद को कैलकुलेट नहीं करेंगे कि नहीं हम लोग जो है एनिमल हम भी जो है इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, नहीं हम नहीं पहुंचा सकते, ऐसा बोलते हैं, जबकि पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरे फॉरेस्ट को काट डालेंगे, जब हम पूरे फॉरेस्ट में काटेंगे अरे मेरे भाई, तो हम फिर से उसको सेकेंडरी सक्सेशन में डाल रहे हैं, हम फिर से उसको जीरो स्टेज में डाल रहे हैं, अब फिर से उसको नया बनना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये किसी भी कारणवश हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस हो, जहां पे डिफॉरेस्टेशन होता है, फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है जंगलों में। अगर आग नहीं भी लगाई जाती है तो गलती से लग भी जाती है, कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज, और हम ऐसे प्लांट्स को एक स्टेप पीछे छोड़ देते हैं। नहीं समझे मेरी बात, ध्यान सुनिए। मान लीजिए अगर इस जंगल में हमें आग लगा दूं इस वाले में, तो इस जंगल में आग लगाने पे केवल यही बचेंगे, मतलब हमने इसको एक स्टेप क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया, हमने इनको एक स्टेप जो है वो क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। तो ये करने से अक्सर ये सीरियल स्टेज जो होगा वो अपने अर्लियर स्टेज की तरफ चले जाएंगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है। वैष्णवी जी थोड़ा पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी वहां पे चली गई है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन बोल रही है कि अगर ह्यूमन जो है डिफॉरेस्टेशन करता है या फिर नेचुरल हार्म पहुंचता है तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा अपने एक कम्युनिटी पीछे चले जाएंगे।
जैसे कि अगर हम इस स्टेज में हैं तो मूव कर जाएंगे, अगर आप इसको जला दोगे तो फिर से हम इस स्टेज में चले जाएंगे, और जब आप इसको भी खत्म कर दोगे तो इस स्टेज में चले जाएंगे, इसको भी खत्म कर दोगे तो इस स्टेज में चले जाएंगे। तो अगर आप अपने सीयर कम्युनिटी को या सीरियल स्टेज को खत्म करेंगे तो आप पीछे की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। दे क्रिएट न्यू कंडीशन दैट एनकरेज सम स्पीसीज एंड डिस्करेज और एलिमिनेशन ऑफ अदर स्पीसीज। हाँ, नो डाउट, इससे जो है नए स्पीसीज नई कंडीशंस आती है जिससे नए स्पीसीज आते हैं, लेकिन कुछ पुराने स्पीसीज उससे चले भी जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक नया क्लाइमेट डेवलप करोगे, अगर आप एक नई चीज डेवलप करते हो तो नए लोग आते हैं लेकिन उससे पुराने लोग हमेशा ऑफेंस हो जाते हैं। ऐसा करते हैं, ऐसा जैसे हम पे अप्लाई होता है वही प्लांट पे भी अप्लाई होता है। अगर मैं गर्मी, पहले गर्मी का क्लाइमेट था लेकिन अब हम वहां पे ठंडी लेकर के आ गए तो जाहिर तौर पे अब वहां पे क्या है ये भाई, ये क्या है? अच्छा चलिए ठीक है, तो समझ में आया सभी लोगों को, इतनी बातें समझ में आई, आगे पढ़ा जाए, आगे स्किप किया जाए। चलिए ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि आप एनिमल सक्सेशन के बारे में यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, आप जो है प्लांट सक्सेशन के बारे में, इकोलॉजी चल रही है बेटा, थोड़ा सा पीछे करके ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ चलिए, खैर बताऊंगा तो समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं रिवीजन करके बताता रहूंगा ताकि आपको ध्यान में आ रहे। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सक्सेशन में मैंने आपको क्या बताया कि जीरो से हीरो बनना, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा लैंड जहां पे पहले कुछ भी नहीं था उससे जो है क्लाइमेक्स कम्युनिटी में ढलना। अब सक्सेशन ऑफ प्लांट में क्या है, ये थोड़ी अलग चीज है, ये थोड़ी अलग चीज है। अब ये अलग कैसे है, ध्यान सुनिए। अब यहाँ पे ये अलग ऐसे है कि हमारे पास में एक्वेटिक हैबिटेट है। कैसा हैबिटेट है? एक्वेटिक हैबिटेट है। सभी बच्चे बहुत ध्यान सुनेंगे, मान लेते हैं कि आज हमारे पास में एक एक्वेटिक हैबिटेट है, मतलब एक ऐसी जगह है जहां पे पानी वानी पूरा भरा पड़ा है और उसके अंदर सभी एक्वेटिक प्लांट जो है वो मौजूद है, मतलब उसके अंदर सभी के सभी। और हाँ, डीप बूस्टर डोज में भी सभी लोग आएगा, सनाया जी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया कि एक्वेटिक प्लांट, सारे के सारे प्लांट वहां पे एक्वेटिक एटमॉस्फेयर वाले हैं, लेकिन गलती से ऐसा हो जाए कि वहां पे धीरे धीरे क्या हो जाए कि कीचड़ हो जाए, मतलब पानी सूख जाए, तो ऐसी जगह पे क्या देखेंगे आप कि जो प्लांट आपके वाटर में सरवाइव करते थे, नाउ दे आर ग्रो इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले वो पानी में थे लेकिन पानी सूख गया, और पानी सूखने के बाद वो सबके सब मॉडिफाई होकर के ड्राई से वेट एरिया की तरफ मूव कर गए, ड्राई से वेट एरिया की तरफ मूव कर गए, या फिर मेजिक कंडीशन में मूव कर गए। मेजिक कंडीशन मतलब थोड़ा पानी थोड़ा टेरेस्ट्रियल, ऐसी कंडीशन में मूव कर गए जब ऐसे प्लांट ये वाले, हाँ वेट टू ड्राई, जब ऐसे प्लांट वेट टू ड्राई की तरफ मूव ऑन करते हैं तो इसी को हम लोग हाइड्रार्च का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हाइड्रार्च सक्सेशन के नाम से जानते हैं। सेम उसी तरीके से अगर कोई प्लांट ड्राई कंडीशन में है, जीरार्च, अगर जीरार्च मतलब डिजर्ट वाले प्लांट, अगर कोई प्लांट एक ऐसे कंडीशन में है जो ड्राई कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम उसको क्या प्रोवाइड करा दें, वाटर प्रोवाइड करा दें, तो वो उसमें भी ग्रो कर जाएगा। तो इन द सेंस दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज जीरार्च सक्सेशन। बट ये ऐसे नहीं होता, इसको होने में भी एक लंबा अरसा लगता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि शुरुआत में जब ये प्लांट बनेंगे, जैसे एग्जाम्पल तौर पर पहले पूरा पानी था, अब कुछ प्लांट उसमें से ऐसे थे जो अपने आप को टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ढाल लेगा। जैसे एग्जाम्पल तौर पे थोड़े मोड़े एल्गी रहे होंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके फिर ब्रायोफाइट्स आए होंगे, फिर धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। मेरे कहने का इन द सेंस बात ऐसा है कि ये अपने आप को वेट से हटा करके ड्राई एरिया में तो ढले और एक मीडियम टाइप में गए, लेकिन ये प्रोसेस एक सीरीज में होती है। कैसे होती है? एक सीरीज में होती है। अचानक से बहुत बड़े प्लांट नहीं बन पाएंगे, और फिर सीरीज में अगर कोई चीज होती है तो एक टाइम वो अपने पीक लेवल पे पहुंच जाएगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी।
क्लाइमेक्स कम्युनिटी में, किसमें, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में। आइए मैं इसका आपको और भी एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि आप इस बिल्कुल इसको समझ जाइए। रुके रहिएगा, मैं डायग्राम लेकर के आया हूं, एक मिनट रुक जाइए, मैं बस दिखा रहा हूं आपको। हाँ, ये डायग्राम आप देखिए, देखिए यहां, अगर आप इस डायग्राम की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास में बहुत सारे प्लांट ऐसे थे जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे। क्या थे? फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो, और बहुत सारे प्लांट जो थे वो रूटेड सबमर्ज थे, जो प्लांट अंदर की तरफ थे। लेकिन धीरे धीरे, चाहे आप इसको सुखा दीजिए, चाहे आप ऊपर की तरफ देखिए, जैसे जैसे ये प्लांट डेवलप किए, ये ऊपर की तरफ आए, फाइटोप्लैंक्टन्स ऊपर की तरफ फ्लोट किए, और फिर देखिए धीरे धीरे ये वुडन स्टेज में आए, वुडलैंड स्टेज में आए, और फिर इन्हीं से एक फॉरेस्ट स्टेज बन गया। ठीक है, तो जब इस तरीके से आपको सक्सेशन दिखाई देता है तो इसको हम लोग जीरार सक्सेशन के नाम से जानते हैं। अब ये किसी भी कारणवश हो सकता है, देखिए सक्सेशन जो होता है वो किसी भी कारणवश हो सकता है, उस पे हम और आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए जरूरी होता है एटमोस्फेरिक कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारी चीजें जो है इसमें जरूरी होती है, और ये सब की सब स्टेप वाइज ही होती है। अगर किसी प्लांट को टेरेस्ट्रियल में ज्यादा जो है प्लांट को स्कोप दिखाई दे रहा है तो प्लांट अपने आप को मॉडिफाई करेगी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। अगर उसको लगेगा कि वाटर वहां का खत्म हो रहा है, तो जैसे भाई एनिमल है, जैसे मान लीजिए कुछ मैमल्स ऐसे थे, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि बहुत सालों पहले कुछ मैमल्स ऐसे थे जो डर गए, जिनको लगा मैमल्स को कि भैया अर्थ पे रहने लायक कुछ नहीं बचा हुआ है, तो वो मैमल्स छलांग लगा दिए पानी में। तो उनसे जैसे कि आप आज डॉल्फिन देखते हैं, आप आज वेल फिशेस देखते हैं, ये सब वो लोग हैं जो मूव कर गए। ठीक है ना, तो ऐसा करने से बहुत सारी चीजें जो है, हाँ पॉल्यूशन भी उसमें आपका एक अलग होता है। तो ऐसे करके बहुत सारे एनिमल कूद गए और वो वहां पे अपना सक्सेशन करने लगे, अपना वो करने लगे। उसी तरह प्लांट भी अपने आप को क्या करते हैं कि जब कोई भी प्लांट, मैं कोई सभी को बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा सक्सेशन आपको देखने को मिलता है कि पहले वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहे, लेकिन धीरे धीरे डेवलप करते करते वो किसमें चले आए, वो जो है टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव करें आए, और उसके बाद एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप कर लें, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से फ्लरिश कर लें, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज, क्या बोले थे भाई हम लोग इसको, अरे बताइए भाई क्या बोले थे इसको हम लोग, देखिए 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 देखते हैं बता पाते हैं नहीं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइड्रार्च कंडीशन। क्या बोलते हैं? हाइड्रार्च कंडीशन के नाम से जानते हैं। वीएचपी जी, जय जी, बहुत बहुत स्वागत है। अब अगला देखिए, अगला जो है हमारा जीरा सक्सेशन, लाइन पढ़ते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। हाइड्रार्च सक्सेशन, इट टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज, द सक्सेशन सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशन। मेसिक कंडीशन मतलब एक माइल्ड कंडीशन, जहां पे थोड़ा पानी हो, थोड़ा सूखा हो। हेलो बेटा बीएचपी जी, हेलो हेलो हेलो। चलिए, फर्स्ट एनिमल जो पानी में जमीन पे रहने वाले हैं। जीरार सक्सेशन, इट टेक्स प्लेस इन ड्राई एरियाज, द सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम जीरिक टू मेसिक कंडीशन, हेंस बोथ हाइड्रार्च एंड जीरार सक्सेशन लीड टू मीडियम वाटर कंडीशन, जिसको हम लोग मेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसिक बोलते हैं, और ऐसी जगह पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप करती है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी का मतलब मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, मतलब पूरी तरीके से फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। द स्पीसीज इन्वेडिंग अ बेयर एरियाज इज कॉल्ड पाइनर स्पीसीज, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऐसी स्पीसीज जो पहली बार अर्थ पे आती हैं, रॉक्स वगैरह पे आती हैं, जैसे लाइकेंस, उनको हम लोग पाइनर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन होता है, ये स्टेप बता रहे हैं, जिनमें जीरोफिटिक हैबिटेट होता है। प्राइमरी सक्सेशन जो होता है रॉक में, उनमें कैसा हैबिटेट होता है? जीरोफिटिक, मतलब इनको पानी कम चाहिए रहता है। फिर उसके बाद लाइकेंस होते हैं, जो पाइनर स्पीसीज होते हैं, ये रिलीज करते हैं कुछ एसिड जो कि डिसॉल्व करते हैं रॉक को, हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, दे नीड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। ब्रायोफाइट जो जनरली वाटर में वाटर की जरूरत पड़ती है, और इनको रिप्रोडक्शन के लिए, और इनको सॉइल की भी जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद इनमें बिगर प्लांट्स आए, फिर स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी बनी, जिसको हम लोगों ने मेसोफाइट्स का नाम दिया। द क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन स्टेबल एंड एज अ लॉन्ग एनवायरनमेंट रिमेन अनचेंज्ड। आई थिंक इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करूं वाटर के अंदर, किसके अंदर? वाटर के अंदर, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं, फिर रूटेड सबमर्ज प्लांट होते हैं, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे कि कमल है, तमाम तरह के और भी हैं, जैसे जलकुंभी है, वेलिसनेरिया है,
ये वो प्लांट होते हैं जो कि फ्लोटिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, और फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट रीड स्वैम्प जो दलदल वगैरह में भी रहते हैं, मार्स मीडो, फिर स्क्रब में चेंज होते हैं, फिर ट्री बन जाते हैं इनसे। मतलब ये स्टेप्स हैं, क्या है स्टेप्स हैं, पहले फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन से डेवलप हुआ रूट सबमर्स प्लांट, फिर ये रूट फ्लोटिंग प्लांट्स में कन्वर्ट हुए, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में कन्वर्ट हुए, फिर रीड स्वैम्प में कन्वर्ट हुए जो कीचड़ में भी रह जाए, फिर स्क्रब में, फिर ट्री में, धीरे धीरे करके ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज हो गए। और ये देखे लिखा हुआ विद टाइम द वॉटर बॉडी इज कन्वर्टेड इन टू लैंड एंड दिस इज नोन एज हाइड्रार्च। बात समझ में आ गया या हाइड्रार्क? क्लियरली बेटा सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम आई थिंक इसमें नहीं आई होगी। सक्सेशन आपको एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो और भी इम्पोर्टेंट अब है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने साइकिल के बारे में। साइकिल बोले तो आपकी जो साइकिल है वो नहीं, साइकिल बोले तो वो वाली साइकिल, कौन सी साइकिल, अरे क्या बोलते हैं यार इसको, यार अरे साइकिल क्या बोलते हैं यार इसको, क्या बोलते हैं इसको, कौन साइकिल बोलते हैं इसको, बायो साइकिल नहीं बोलते यार वो, अरे कौन साइकिल बोलते हैं इसको, गधे लोग चैट करने से अच्छा पहले इसको देख लो, ध्यान दो। न्यूट्रिएंट साइकिल, बिल्कुल बेटा न्यूट्रिएंट साइकिल। तो न्यूट्रिएंट साइकिल की तरफ आइए नजर डालते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल आपकी किताब में कार्बन साइकिल बताई गई है, फास्फोरस साइकिल बताई गई है, और नाइट्रोजन साइकिल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो नाइट्रोजन साइकिल बताने का कोई तुक यहाँ पे बनता नहीं है। सदाफर जी बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे जो मैं आपसे सामने बताने जा रहा हूँ कि वॉट इज साइकिल, साइकिल क्या है या फिर इसमें बहुत ईजी तरीके से आप लोग बहुत पहले जानते हो, लेकिन कार्बन और फॉस्फोरस को समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए क्या है कि अगर मैं अपने आसपास, आप भी अपने आसपास जितनी भी चीजें देखिए, जितनी भी चीजें आपके मन करे आज आप देखिए अपने अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तकरीबन जो है हर चीज में आपको कई चीजें ऐसी हैं जो कॉमन देखने को मिलेगी, जैसे कि कार्बन हर चीज। जैसे मेरे बगल में ये चार्जर है, अगर मैं इस चार्जर को जलाऊंगा तो ये भी काला पड़ेगा, इसमें भी कार्बन होगा। अगर मैं अपनी बॉडी को जलाऊंगा तो बॉडी को जलाने के बाद भी उसमें भी कार्बन निकलेगा। अगर मैं इस तन अकेडमी की टी शर्ट को जलाऊंगा तो इसमें भी कार्बन निकलेगा। अगर मैं किसी को कुछ भी जलाऊंगा तो हर एक चीज में कार्बन मौजूद है। दूसरी चीज, अगर मैं प्लांट को जलाऊंगा तो उसमें भी कार्बन है। अगर वो प्लांट ऐसे भी मर जाता है तो उसमें भी कार्बन है। मतलब कि कार्बन इज एवरीवेयर, बट वो कार्बन कहां कहां पे है और कैसे वो हमारे एटमॉस्फेयर में जा रहा है और कैसे वो हमारे पास में आ रहा है, इसी चीज को हम लोग कार्बन साइकिल कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट साइकिल दो स्टेजेस में होती है, एक होता है गैसियस और एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। क्या होता है? एक होता है गैसियस और एक होता है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल वो है जैसे कि हम लोग जब गैस की बात करते हैं, लाइक अ नाइट्रोजन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये गैसियस साइकिल के अंदर आता है। वहीं पे सेडिमेंट्री साइकिल जो सॉयल के थ्रू हमारे अंदर आए और फिर सॉयल में ही मिल जाए, सॉयल के थ्रू हमारे अंदर आए और फिर वो सॉयल में ही मिल जाए, ऐसी चीज को हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। इसके अंदर हमारी सल्फर साइकिल आती है, फास्फोरस साइकिल आती है, लेकिन आप पढ़ेंगे केवल फास्फोरस साइकिल के बारे में। तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एटसेट्रा प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रिफर्ड टू एज स्टैंडिंग स्टेट। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन सीजनल बेसिस। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में आपको फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल अलग अलग देखने को मिल सकते। इट मींस दैट प्लांट जो है वो सॉयल अब भैया उसमें तो नहीं हो सकती, पानी में तो नहीं हो सकती, तो वहां पे फास्फोरस साइकिल थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। फास्फोरस ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, वहां पे भी मिलेगा, लेकिन वहां पे फास्फोरस साइकिल का मीडियम अलग होगा। नहीं समझे? वहां पे वाटर में डिजॉल्व हो सकती हैं या इस तरीके का कंडीशंस वहां पे हो सकता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में तो सॉयल से ही मिलने वाला है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि अलग अलग इकोसिस्टम में
आपके जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो अलग अलग हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट आर नेवर लॉस्ट, नो डाउट, जो भी हम खाते हैं उनसे कुछ ना कुछ तो बनता ही है, और जब कुछ ना कुछ बनता है तो उनसे कुछ ना कुछ बाहर भी होता है। अगर कुछ ना कुछ बाहर होगा तो जरूर हमारे एटमॉस्फेयर के लिए वो जरूरी होगा, जैसे कि आपका चाहे फीकल एलिमेंट ही हो लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके प्लांट्स के लिए तो रिक्वायरमेंट होता ही है। उसमें से बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट में भी आपको पता है कि मैन्योर है, तमाम तरह की चीजें हैं, तो हर चीज में आपको इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ यूजफुल आप देते हैं। दे आर रिसाइकल अगेन, और वही चीज दोबारा से रिसाइकल होती है, मतलब अपने हिसाब से वो कन्वर्ट कर ली जाती है। जैसे कि गोबर जो है वो गाय निकालती है, लेकिन उसी गोबर से प्लांट उसको फिक्स करके मैन्योर के फॉर्म में उससे खाद भी बना लेता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस भी कर लेता है। तो हर चीज की जो है वो रिसाइकलिंग हमारे अर्थ पे, हमारे इकोसिस्टम में देखने को मिलती है, और यही रिसाइकलिंग ही साइकिल कहलाता है। इसी रिसाइकलिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं इस चार्जर को भंगार में बेच दूं, मतलब कि कबाड़ में बेच दूं, तो कल को ये चार्जर कबाड़ में बिक जाएगा और इस प्लास्टिक से एक बाल्टी या एक ग्लास बन सकता है। मेरे कहने का इन द सेंस मेरी बात बस यही है कि आप जब किसी भी चीज को वेस्ट के फॉर्म में डालते हैं तो फिर उसके रेडियो की आईसी उड़ जाती कभी कभी। अरे यार वीरेंद्र वो बन गया माइक्रोस्कोप हुआ, लेकिन यार उसमें एक चीज गड़बड़ा गया, जानते हो क्या बोलो, क्या उसमें गड़बड़ाया, ये जो तेज धीम नहीं होता था इंटेंसिटी, अब वो नहीं होगा। बड़ा खर्चा आ गया यार, इसमें आया तकरीबन 120-130 रुपए खर्चा आया है, लेकिन बन गया है, लाइट तो जलेगी समझे। उसमें पूरा एक वो जो मोबाइल चार्जिंग चार्जर में जो प्लेट होता है वो लगता है उसमें। अरे वो मोबाइल चार्जर का पूरा प्लेट लगा ना, नया वाला प्लेट, ये देखो ये पुराना वाला निकाल दिया उसने, ये पुरानी प्लेट उसको निकालनी पड़ी, ये वाली देख लो ना सर, आपके चार्जर मुझे दो, 1.5 रुपया दूंगा। अरे लेते जाओ भाई लेते जाओ, इसका पैसा स्कूल वाले देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सही है चलने लगा। चलिए खैर, थोड़ा सा मैं गले को आराम दे रहा था, ध्यान सुनने में जब था तेज। अतर जी बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हाँ तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि हाँ, तो सबसे पहला गैसियस फॉर्म में होता है, फॉर दिस द रिजर्वायर एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड कार्बन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल, फॉर दिस रिजर्वायर इज लोकेटेड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल सरफस, सल्फर, फॉस्फोरस साइकिल, इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर एक्सेट्रा। Regulate the rate of release of nutrient into atmosphere. The reservoir meets with the deficits of nutrition due to imbalance of the rate of influx and efflux. Influx का मतलब होता है किसी भी चीज को लेना, और efflux का मतलब होता है बाहर देना। जैसे हम जब तक जिंदा हैं तब तक soil से कुछ ना कुछ लेंगे, soil से क्या लेंगे भाई, plant लेंगे ना भाई, और plant कहाँ से पाएगा phosphorus, जरा सा हमको आप बताइए, तो बताइए आप ही बताइए, plant जो है phosphorus पाएगा soil से, और हम उसी प्लांट को क्या करेंगे, खा लेंगे, और खाने के बाद जो है फास्फोरस होता है हमारी बोन्स में, जब हम मरेंगे तो वही बोन्स से फास्फोरस किसमें मिल जाएगा, बताओ किसमें मिल जाएगा, सॉइल में ना। लेकिन हिंदू धर्म में तो लाशें जला देते हैं, हिंदू धर्म में तो लाशें जला देते हैं, तो लाशें जलाने के बाद क्या फास्फोरस बचता है उसमें मिट्टी में, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों भैया मैंने क्या कह दिया, सुनीता जी मैंने क्या कह दिया, अच्छा दूसरे कह रही हो, बात समझ में आया। अब ये देख लिया ना भाई, जलाने के बाद मिलता है नहीं मिलता है, अगर ऐसा नहीं होता ठीक है भाई, फिर तब तो फिर ज्यादातर वही होना चाहिए। चलिए खैर वो अपनी जगह पे है। यहाँ पे आपके सामने एक कार्बन साइकिल है, क्या है, कार्बन साइकिल है। यहाँ पे ब्लू कलर जो इंडिकेट कर रहा है वो कर रहा है प्रोसेस, क्या कर रहा है, प्रोसेस। वहीं पे जो ग्रे कलर है वो कार्बन स्टोर्स को कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एटमॉस्फेयर देखें तो एटमॉस्फेयर हर तरीके के कार्बन को अपने अंदर ले रहा है। जैसे जब आप फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं,
वो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। जब कोई भी एनिमल मर रहा है तो उसके मरने के बाद भी जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है डिके होने के बाद में, जैसे उसको माइक्रोब्स ब्रेक करेंगे, और जब उसको माइक्रोब्स ब्रेक करेंगे तो माइक्रोब्स जब उसको डिकम्पोज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। वो भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जा रही है, एटमॉस्फेयर में। जब कोई भी एनिमल रेस्पायरेशन कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है, गैया देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, तो वो भी कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। फिर उसके बाद देखिए, जब हम लोग प्लांट को जला रहे हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो वो भी कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। ठीक, ये हो गया देने वाला, ये कौन हो गया, देने वाला। अरे यार कौन बच्चा है चिल्ला रहा है यार, ये गाँव है क्या है ये, ठीक है, अरे यार ये पागल वागल है क्या, ये दरवाजा बंद कर दूं, नहीं तो इसी में चिल्लाए पड़ा है। अरे यार ये अपने बच्चों को चुप कराओ यार, तुम लोग क्लास नहीं लेने देते। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये गधे ऐसे चिल्लाते रहेंगे। अरे यार ये गजब आदमी यार, इतना तेज कौन चिल्लाता है यार, अरे चलिए खैर ऐसे चक्करों में चला जाएगा टाइम। तो दूसरी तरफ अब आप देखिए, हमने क्या किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के लिए दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लांट फ्लरिश हो रहा है। तो देखिए कैसे, देखिए यही प्लांट को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर गई भी, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आई भी। कहाँ जा रहे हो, रुको वहां पर चैट करने आते हो क्या यार तुम लोग, गजब के आदमी से क्या बेटा, ऐसा काम ना किया करो यार, देखो आओ पढ़ो लिखो जो है, चैट वैट करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एटमॉस्फेयर से सीधे सीधे ये आया और आराम से यहाँ पे प्लांट्स आपका बन गया, देन फिर से अगर ये डिके होगा तो फिर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बन साइकिल नहीं चल रही है, पूरे इकोसिस्टम में कई कार्बन साइकिल जो है वो रन करेगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये वाली कार्बन साइकिल आपने देखा, और देखिए अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, जो हमारे जू प्लैंकटॉन्स हो, जो फाइटो प्लैंकटॉन्स होते हैं, हमारे फाइटो प्लैंकटॉन्स जो होते हैं वो फाइटो प्लैंकटॉन्स भी इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो एक साइकिल बन गई फाइटो प्लैंकटॉन्स के बीच में, इसके बीच में फाइटो प्लैंकटॉन्स के बीच में, आई मस्का लगाने को बोल दो तो ऐसे लगाया जाता है, अच्छा बेटा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से फाइटोप्लैंकटॉन्स यहाँ पे एक चीज कर रहे हैं भाई, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नीचे वाले एरिया को देखिए, सॉयल वाले एरिया को, यहाँ पे एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। जो प्लांट या एनिमल मरा, जो प्लांट या एनिमल मरा, वो प्लांट और एनिमल जो है हमारे सॉयल में मिल गया, हमारे सॉयल में मिल लिया ना, और उसी तरीके से ये वेजिटेशन भी हमारे सॉयल में मिल गया, ठीक। चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे वाटर हो, हर जगह पे ये होता ही होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि देखो, जब ये ऑर्गेनिक मैटर मरेंगे तो ये अलग, फिर उसके बाद हम लोग जो कोयला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, वो भी आज नहीं बना हुआ है, उसको मरने बनने में कई सौ सालों का वक्त लगा है। तो आप कोल गैस वगैरह को निकाल के फैक्ट्रीज में यूज भी करते हो और फिर ये जाता है, ठीक। साथ में आप ये भी जानते हो कि बहुत सारे सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे मौजूद होते हैं, रॉक का फॉर्मेशन होता है, और वो कब होता है, जब लीचिंग होती है। क्या होती है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे फास्फोरस और कार्बन जो है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जब बहुत ज्यादा वो बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद वो यहाँ पे एक रॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वही रॉक वगैरह जो है बाद में जो है सेडिमेंट रॉक ही निकल करके सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक तूफान आपका यहाँ पे यूज में आ रहा है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई। तो एक तरफ सॉइल के अंदर सॉइल का साइकिल कार्बन का चल रहा है और एक तरफ एटमॉस्फेयर से, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेंगे तो कभी भी कार्बन हमारे अंदर नहीं आएगा। और अगर कार्बन हमारे, अब कार्बन को डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट लेता है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेता है तो यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज, वही ग्लूकोज कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं। जब हम ले रहे हैं तो कार्बन किसके अंदर आ रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, और जब कार्बन हमारे अंदर आ रहा है तो जब हम मरेंगे तो वही सॉइल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। जब वही सॉइल में मिल जाएगा तो वही ऑर्गेनिक मैटर बनेगा और इस तरीके से प्लांट उसको यूटिलाइज करेगी। तो दैट्स इट गाइस, यही तरीके से कार्बन साइकिल जो है वो रन करती है। आइए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। रिजर्वायर ऑफ कार्बन, एटमॉस्फेयर अबाउट 1% कार्बन जो है वो होता है, ऑर्गेनिज्म में तकरीबन 49% ड्राई वेट होता है। मतलब अगर आप एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन बहुत ज्यादा नहीं होता है,
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कम है, तकरीबन 1% के आसपास में होता है, रिजर्वायर के फॉर्म में 1% ही होता है, मतलब जो हमको वो देता है 1%, ओनली 1%। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो तकरीबन 49%, मतलब अगर हमारी बॉडी से पूरा सुखा दो तो सुखाने के बाद जो पूरा का पूरा जो बचता है ड्राई वेट, दैट इज 49% होता है। ओशन में तकरीबन 71% डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में फाइटोप्लैंक्टॉन्स और छोटे मोटे अंदर की तरफ नीचे की तरफ प्लांट्स पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, मतलब कि लेते भी हैं, और साथ में इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सारे अमाउंट में कार्बन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में दिखने को मिलेगी। रीजन ये है कि हमारे में सॉयल में मिल जाता है, सॉयल में मिल जाता है लेकिन इनके में नहीं मिलेगा। इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉसिल फ्यूल एटसेट्रा। कार्बन साइक्लिंग अकर थ्रू एटमॉस्फेयर ओशन थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म, नो डाउट बता दिया है। 4 × 10^13 kg ऑफ कार्बन जो है वो हर समय फिक्स होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली, मतलब साल में अगर मैं बात करता हूँ तो तकरीबन 4 × 10^13 मतलब 4 × 10^13 kg कार्बन जो है वो हर साल फिक्स की जाती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस में तकरीबन 4 × 10^13 जो वैल्यू का कार्बन है आपका वो तकरीबन फिक्स जो है वो किया जाता है। तो ये काफी बड़ी वैल्यू है, इसको आपको हमेशा ध्यान में जो है वो रखना है। आगे बोलते हैं, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रिस्पायरेशन। जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर को देते भी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कार्बन का सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन पढ़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो अगर हम लोग अपने आप को सॉइल में मिलाते भी हैं तो वो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो भी जिस भी फॉर्म में है वो भी कार्बन ही एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म की बात कर रहा है कि जो कार्बन है वो रिटर्न होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पायरेशन, अगर हम लेते हैं तो देते भी हैं। प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट डेड मैटर बाय डीकंपोजर्स आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी सब्सटेंसेस को सड़ाता है, गलाता है, या फिर रेस्पायरेशन करता है, या डाइजेशन करता है, या फर्मेंटेशन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, और वो भी कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है। सम अमाउंट ऑफ फिक्स कार्बन इज लॉस्ट टू सेडिमेंट एंड रिमूव फ्रॉम सर्कुलेशन, कुछ जो है उसी मिट्टी में साथ में मिल जाते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, अगर हम लकड़ी को जलाएंगे, फॉरेस्ट फायर, कम्बशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कुछ भी करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो एटमॉस्फेयर में जाती है। रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन कार्बन साइकिल, डिफॉरेस्टेशन करना, जला देना फॉरेस्ट को, इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है ना कि घटता है, क्योंकि नीचे प्लांट जितने ज्यादा कम होंगे कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन उतना कम हो जाएगा, जिससे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाना है तो उसके लिए प्लांट को घटाना है, लेकिन गुरु अगर आप प्लांट घटाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो ये जान लो कि आप ही मरोगे, कोई और नहीं मरेगा। अगली साइकिल आ जाती है फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस साइकिल दिखने में काफी सिंपल और काफी अच्छी साइकिल है। देखिए, फॉस्फोरस हर किसी के लिए जरूरी है, प्लांट के लिए जो मेन फॉस्फोरस जरूरी है वो उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। नो डाउट फॉस्फोरस हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी जरूरी है, चाहे वो डिकम्पोजर्स हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए। हमारे लिए भी फॉस्फोरस जरूरी है, हमारी बोन्स को मजबूती प्रोवाइड कराता है फॉस्फोरस, लेकिन ये फॉस्फोरस आता कहाँ से है? आपको पता है कि जब पहाड़ होता है, पहाड़ होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े रॉक होते हैं। जब यही रॉक बारिश से टूटते हैं तो बारिश से टूटने के कारण ये रॉक से फॉस्फोरस रिलीज होता है, और जब इसी में प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट जब सॉइल में ग्रो करता है तो प्लांट इसी फॉस्फोरस को एब्जॉर्व कर लेता है। जब प्लांट इसी फॉस्फोरस को एब्जॉर्व करता है और जब प्लांट मर जाता है तो प्लांट के मरने के बाद पहले उसे छोटे छोटे एनिमल जैसे कि आपका केंचुआ वगैरह है वो और डीकम्पोजर्स उसे ब्रेक करते हैं। जब डीकम्पोजर्स उसको ब्रेक करते हैं तो जो प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस है वो सॉइल में मिल जाता है,
और फिर सॉयल में मिलने के बाद वो फिर से प्लांट में चला जाता है या फिर लीचिंग प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि लीकेज होती है वहां पे और लीकेज होने से वो प्लांट से अनअवेलेबल हो जाता है, मतलब कि ऐसी ऐसा न्यूट्रिएंट जो प्लांट के कांटेक्ट में ना हो उसे लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीचिंग बोलते हैं। पूर्वा जी बहुत बहुत स्वागत है। मतलब ऐसा ऐसा फॉस्फेट, ऐसा फॉस्फेट या ऐसा एनवायरमेंट जो प्लांट से दूरी पे हो। अब कुछ तो फॉस्फेट ऐसे हैं जो कि प्लांट को मिल गए, कुछ फॉस्फेट ऐसे हैं जो कि प्लांट ने ले लिए, लेकिन कुछ फॉस्फेट ऐसे होते हैं जो लीचिंग के थ्रू बहुत ज्यादा नीचे बैठ जाते हैं। यही बैठ करके धीरे 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 इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के एक दिन रॉक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रॉक बन जाते हैं। और जब कभी भी जियोलॉजिकल चेंज होता है तो यही रॉक ऊपर आते हैं, यही पहाड़ ऊपर आते हैं और फिर से यहाँ से फॉस्फोरस होता है, फिर से बारिश होती है, फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये आप साइकिल समझ में आ गई सभी को? बोलिए भाई, साइकिल समझ में आ गई? बोलिए भाई, मतलब अब कॉन्फिडेंस आ गया कि अब आप सवाल सॉल्व कर लेंगे? चलिए अच्छी बात है, तो यार बड़ी अच्छी बात है यार। चलिए खैर, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि फास्फोरस साइकिल जो है वो कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर साइकिल। मेनी एनिमल यूज फास्फोरस टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ। आपको पता है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो आपको पता होगा स्नेल वगैरह होते हैं। स्नेल को जानते हो ना, स्नेल के ऊपर एक कवरिंग होती है कैल्शियम की और फास्फोरस की। तो जब वो भी मरते हैं ना तो वाटर में वो भी डिजोल्व हो जाते हैं। तो जब वाटर में वो भी डिजोल्व हो जाते हैं तो वो भी नीचे की तरफ आकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारे डिट्राइटस होते हैं। डिट्राइटस का मतलब ही है कि वही जो आपके एनिमल्स होते हैं स्नेल वगैरह होते हैं उनके पार्ट्स भी, स्नेल वगैरह में जो उसकी कवरिंग नहीं होती, शैल नहीं होता, कैलकेरियस शैल, तो वो भी नीचे की तरफ आकर के बैठ जाते हैं। इसमें कोरल लीफ होते हैं, उनका एलिमेंट होता है, वो सब नीचे आके बैठ जाते हैं। फिर फिश होती हैं, फिश भी मरती हैं, वो भी आके नीचे बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से नीचे की तरफ फास्फोरस इकट्ठा होता है और वही जो है एक पहाड़ बन जाता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, जब वो थोड़ा सा ब्रेक होता है तो माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉस्फेट डिजोल्व इन सॉयल, जब पहाड़ पे बारिश होती है तो उससे फॉस्फेट जो है वो डिजोल्व होता है, वो सॉयल के साथ में मिक्स हो जाता है। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उस सॉयल को एब्जॉर्व करते हैं, उससे फॉस्फेट अपने अंदर लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो डेड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, तो फिर से वो डिकम्पोज होते हैं। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो फिर से उसमें पाया जाने वाला फॉस्फेट जो होता है वो सॉल्युबलाइज हो जाता है और फिर वो जो है सॉइल के साथ में मिक्स हो जाता है। तो दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग जो मैंने अभी आपको बताया। इससे आपको आई थिंक आप इकोलॉजी के तकरीबन मेजर चीजों के बारे में अब जान चुके हैं। तो देखिए इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे तो स्टॉप लग चुका है, लेकिन अभी इकोसिस्टम में एक और कमाल की बात बची हुई है जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी या इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस के बारे में जानना है तो बहुत जरूरी कहलाता है। इकोसिस्टम सर्विसेज का मतलब क्या होता है, बहुत ही ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपने न्यूट्रिएंट साइकिल पढ़ी, आपने पढ़ा कि अगर इकोसिस्टम हमारा बेहतर रहा तो हमारे इकोसिस्टम में बहुत तरह के एनिमल एग्जिस्ट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, आप बहुत खुश हो जाएंगे उस एग्जाम्पल से। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हिंदुस्तान में कचरे की सफाई के लिए गाड़ी या वाहन चलते हैं, राइट? वाहन या गाड़ी चलते हैं। अक्सर क्या होता है, तुम्हारे हिंदुस्तान की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी है खैर मैं क्या ही बताऊं, कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं। क्या होता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कचरा तो आप दे देते हैं, लेकिन जब सड़कों पे बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं, जैसे एग्जांपल को कोई बड़े एनिमल्स मर जाते हैं, तो बड़े एनिमल्स बहुत दिनों तक जो है सड़क पे सड़ते रहते हैं, गलते रहते हैं, उनको कोई उठाता नहीं है, रिजल्टेंट बहुत सारी बीमारी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जूते के थ्रू, गाड़ियों के थ्रू आपके घरों तक पहुंचते हैं और तमाम तरह की बीमारियां फैलाते हैं, जिनसे आपके घरों में हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है।
साथ में गाड़ी वाला या घर से कचड़ा निकाल का जो तेल का पैसा है वो एक अलग खर्चा निकल जाता है, राइट। तो इतना महंगा पड़ता हमारे लिए। अगर ऐसा हो कि वल्चर जो है जो हमारे अर्थ से खत्म हो गए, वल्चर जो हमारे मतलब इंडिया या हिंदुस्तान से खत्म हो गए, अगर वो होते तो बड़े बड़े एनिमल को वो चुटकी में खत्म कर जाते थे। रिजल्टेंट क्या होता था कि एक इकोसिस्टम बना रहता था और काफी हद तक वो हमारे लिए क्लीनिंग का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात। तो जब वो हमारे लिए क्लीनिंग का काम करते हैं तो इससे हमारी बहुत सारा पैसा क्या होता है, बच जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हमने यहाँ पे अपने इकोसिस्टम को जो है वो तौला किससे है, पैसों से। सेम यही चीज किए थे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जी ने बताया, और ये बहुत तगड़ी चीज बताया इन्होंने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जी ने बताया कि देखो भैया, हमारी जो इकोसिस्टम है वो हमको ना केवल पढ़ने के लिए ध्यान देना है, बल्कि कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा इकोसिस्टम हमारा कितना फायदा कराता है। पर साल हमारा इकोसिस्टम हमें तकरीबन 33 ट्रिलियन डॉलर का फायदा करवाता है। सुनिए, 33 ट्रिलियन डॉलर। क्यों, कहां फायदा कराता है? जितने भी फ्रूट्स हैं, जितनी भी इकोनॉमी है फ्रूट्स की, जितनी भी फ्रूट्स की मार्केट है, दे ऑल ड्यू टू इकोसिस्टम। फिश इकोसिस्टम, फाइबर इकोसिस्टम, पल्प, पेपर, टिम्बर, फ्यूल, वुड, फॉसिल फ्यूल, ऑल आर रिलेटेड विथ इकोसिस्टम। कहने का मतलब दैट इज ट्वाइस टू टाइम ग्रेटर देन होल नेशनल इंटरनेशनल GNP, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी जो होती है हमारी, उसका तकरीबन दोगुना जो चीज है वो हमारे इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है। और इकोसिस्टम को तबाह होने में टाइम नहीं लगता है। एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर आप इस इंडिया से प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट्स को खत्म कर दोगे। तो अगर आप प्लांट्स को खत्म करोगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर देश के पास में एक संविधान मतलब एक रूल बनाया है, यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने एक रूल बनाया है। वो रूल ये है कि हर कंट्री को तकरीबन 33% प्लांट्स अपने यहाँ पे रखने कंपलसरी है। मतलब उनके 33% एरिया में फॉरेस्ट होना ही चाहिए, और तुम्हारे इंडिया में वो रेशियो 30% के नीचे है। तो इन द सेंस हम यूएन में बोलने लायक नहीं है कि हम वहां पे बोल सकें जाकर के कि हम एनवायरनमेंट के रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर हम इस इकोसिस्टम को बेटर कर लें तो हम किसी भी देश से बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, नो डाउट बन सकते हैं। लेकिन हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए, हर किसी को रोड चाहिए, हर किसी को बिल्डिंग चाहिए। साउथ वाले नाराज होते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे आप हॉस्पिटल नहीं खोलते, हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन नहीं खोलते, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मॉल नहीं खोलते। दिल्ली वाले इसलिए दिमाग खराब पड़ जाता है, दिल्ली वाले कहते हैं कि तुमको, दिल्ली मुंबई वाले कहते हैं कि भैया तुमको सब कुछ हमारे यहाँ ही चाहिए, तुमको सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमारे यहाँ चाहिए, तुमको सारे शोरूम हमारे यहाँ चाहिए, तुमको सारी कंपनी हमारे यहाँ चाहिए, है ना। तो दिल्ली में रश बढ़ जाता है क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें पूरी होती है। लेकिन साउथ के पास जो अनमोल दौलत है वो शायद किसी के पास में नहीं है, और साउथ के लोग इसीलिए शायद कभी भूखे ना मरे। दिल्ली के अंदर जो गरीबी आपको देखने को मिलती है वो गरीबी साउथ में आप नहीं पाएंगे, ये बात भी बिल्कुल सही है, और यही चीज अप्लाई होती है। संस्कृति के साथ वो लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो उनको वो चीज मिलती है। कहने का इन द सेंस मेरी बस बात इतनी सी है कि अगर आप अपनी इकोसिस्टम की तरफ फोकस करेंगे तो आपको उसी इकोसिस्टम से इतनी सारी चीजें मिलेंगी कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। जैसे कि ना केवल ये हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं खाने पीने के सामान के लिए, बल्कि बेनिफिशियल होते हैं हमारी साइकिल के लिए।
जैसा कि आप सबने देखा न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, सॉइल फॉर्मेशन, बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशन, हर एक चीज इकोसिस्टम पे ही डिपेंड करती है मेरे भाया। इसलिए आप इकोसिस्टम को तबाह ना करिए। जैसा कि मैंने कहा कि ह्यूमन अपने आप को कहता है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको ना, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन नो डाउट कल मुझे भी जरूरत अगर पड़े तो मुझे अगर अपनी थोड़ी थोड़ी दूर पे जाना है तो जाहिर तौर पे हम साइकिल यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बड़े बड़े शहरों के अंदर साइकिल स्टैंड बनाए जाते हैं जहां पे आपको एक कूपन दिया जाता है, एक कार्ड दिया जाता है जिसको आप स्कैन करके बड़े आराम से साइकिल लेकर के थोड़ी डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकते हो। तो इससे साथ में आपको पता है कि ह्यूमन बहुत ज्यादा बोलता है कि नहीं भाई यार 4 दिन में खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं खत्म होगा, सब ऐसा रहेगा, क्योंकि हम बहुत तरीके से ई व्हीकल्स, सीएनजी व्हीकल्स, तमाम तरह से अलग अलग टाइप के व्हीकल्स बना रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम के लिए थोड़े कम इम्पैक्ट उनके ऊपर डाल सके। कल्चरल की अगर हम बात करें तो टूरिज्म से बहुत सारा पैसा हमारे अंदर आता है, आता नहीं है टूरिज्म से, यस बिल्कुल आता है। साथ में रिलीजियस और स्पिरिचुअल, लकड़ी, चंदन की लकड़ी, ये जो तमाम तरह की चीज होती है, इनसे भी बहुत सारे अमाउंट में हम नोट छाप सकते हैं। पुष्पा मूवी तो आपने देखी है। चलिए उसके बाद में क्लाइमेटिक एग्जाम्पल, कार्बन, फ्लड कंट्रोल्स, आपने देखा होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में तकरीबन हर साल इतनी बाढ़ आती है, इतना फ्लड आता है कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। अगर हम, और क्यों नुकसान हो रहा है, हमने वहां पे बड़े बड़े जंगल काट के रिजॉर्ट बना दिए। क्या बना दिए? रिजॉर्ट बना दिए। और रिजॉर्ट बनाने से क्या हो गया कि जो पहले फ्लड आता था, जब पानी की बाढ़ आती थी तो पेड़ होने के कारण प्रेशर रुकता था पानी का, मिट्टी पकड़े रहती थी पेड़ जो है, जिससे कि इरोजन नहीं होता था, बड़े बड़े पहाड़ नहीं टूट के गिरते थे। आज इतना ज्यादा फ्लड आने लगा है कि मान लो बर्बादी, इरोजन इतना भयानक होने लगा है कि मान लो बर्बादी, जिससे बहुत सारे अमाउंट में गवर्नमेंट के इकोनॉमिकल लॉसेस हैं और इसी कारण उसमें बहुत सारा खर्च भी होता है। तो दैट इज अ इकोलॉजिकल इकोसिस्टम सर्विसेज, नो डाउट आप सब इसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। है ये कहानियां, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज। होपफुली यू एंजॉय ऑल दिस सेशंस, आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। और इकोसिस्टम अब खत्म हो चुका, आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें पढ़ाने के लिए तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उन टॉपिक को भी शुरू कर सकता हूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नीड बूस्टर डोज 2024 में। और पूरे इकोसिस्टम को आप 4 लेक्चर में 5 लेक्चर में देख सकते हैं। आई थिंक एक छोटा कंटेंट और अच्छा कंटेंट मैंने आपको बना के दे दिया, जब भी दिक्कत आए आप, ठीक है, मैं ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन शुरू करूंगा, ठीक है, तुम भी रहना यार वीरेन, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन शुरू होने वाला है। और तुषारिका जी एक वीडियो भेज दूंगा ऑर्गेनिज्म ऑफ पॉपुलेशन का, वो जरूर देख लीजिएगा, सभी बच्चे देख लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नीट बूस्टर डोज 2024 जो कि शुरू होगा 10 के 10 बजे। सुनीता जी आपका भी स्वागत रहेगा, सभी बच्चों का स्वागत रहेगा। आइए मिलते हैं रात के 10 बजे नीट बूस्टर डोज 2024 में, जहां का टॉपिक भी मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई आज हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रहेगा और एनिमल किंगडम रहेगा। बाय बाय।